चलो ये देखो, ये एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर से रिलेटेड है। स्पेस में कुछ वेक्टर दे दिए गए हैं आपको, तो उसमें से क्या था, सिक्स वेक्टर दिया है इंडिकेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन वेक्टर को देख के एडिशन निकालना। अब जिस बच्चे को वेक्टर का एडिशन आता होगा वो ये क्वेश्चन कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा नहीं कर पाएगा। वेक्टर एडिशन क्या होता है बताऊं भाई, सबको पता होगा वेक्टर एडिशन, भाई ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो जब मैं मिलाऊंगा तो बनेगा ए प्लस बी, एक नया वेक्टर बनेगा, तो इसका नया नाम दे देते हैं सी। ये था ए और ये था बी, जब हम जोड़े तो मिला सी। भाई दो को जोड़ेगो तो तीसरा बनेगा ना। अब यही रूल इस पे लगाओ, पहले एक चेक करो बी प्लस सी क्या एफ के इक्वल होगा। बी किधर है देखो, बी कहाँ है, किधर गया बी, बी नीचे है, चलो बी बना लेते हैं एक बार, बी बन गया नीचे। बी सी को लिखो, सी किधर है भाई, बी से सी, सी जा रहा इधर, ठीक है। तो क्या ये जो वेक्टर आएगा एफ होगा इधर, एफ देखो कहाँ है, बिल्कुल गलत बात है, एफ तो इसके उल्टा आ रहा है। हम जो एडिशन कर रहे हैं, अगर बी ऐसे है सी ऐसे है तो एफ ऐसे आएगा यार, और जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एफ ऊपर दिया हुआ ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, गलत है। सी चेक कर लो, सी डी, डी बनाओ, डी ऊपर गया, डी ऊपर गया। अब यहां से मैं सी ई बनाऊं, ई किधर गया, ई लेफ्ट साइड गया, ठीक है। अब यहां से जहां से चले थे मिलाऊंगा तो एफ बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है। जो हमारा एफ आया वो उसका एफ मैच कर गया, मतलब सी ऑप्शन सही है, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना, द एडिशन ऑफ द वेक्टर।